हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में कार्ब सीजन। तो आज मैं आप सबको कुछ परफ्यूम्स के कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो गाइज, मुझे बहुत मैसेज कॉल्स व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते रहते कस्टमर्स के कि मैम कुछ यूनिक फ्रेगनेंस बताइए परफ्यूम के अंदर। सो गाइज, मैं आप सबके लिए बहुत ह्यूज कलेक्शन लेके आई हूँ परफ्यूम्स के अंदर, जो ऑल आर मेड इन जापान। सो आपको बिल्कुल नया फ्रेगनेंस ट्राई करने को मिलने वाला है इस बार। तो इस वीडियो में चलो मैं आपको ले चलती हूँ, प्रोडक्ट दिखाती हूँ, फ्रेगनेंस के बारे में बताऊंगी। कई लोग को माइल्ड पसंद है, कई लोग को हार्ड पसंद है, तो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाली इस वीडियो में। चलो एक बार प्रोडक्ट देखते हैं, कितना लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, आप देख के बस खुश हो जाने वाले हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लिक्विड का परफ्यूम से। जैसे मैंने आपको बताया, वन बाय वन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, ये देखिए, ये है ग्रैंडी लिक्विड परफ्यूम। इसमें भी तीन चार फ्रेगनेंस आता है, वाइट मस्ट, प्लैटिनम सावर, मतलब माइल्ड और हार्ड दोनों के लिए ही हमारे पास वैरायटी है परफ्यूम्स की। कई लोगों को माइल्ड पसंद है, कई लोगों को हार्ड। सो गाइस, ये देखिए ओमनी बस कार परफ्यूम, बहुत लग्जरी कार परफ्यूम है गाइस। ये इसके अंदर लिक्विड भी आता है और इसके अंदर डिफ्यूज़र भी आता है ओमनी बस का। ये भी काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस है। सो ये देखिए गाइस, दिस वन वेरी लग्जरी, इसका नाम भी लग्जरियस अरोमा है। जिन लोगों को अरोमा फ्रेगनेंस पसंद है वो इसको बाय कर सकते हैं। आप इसको कप होल्डर, डैशबोर्ड कहीं पे भी रख सकते हैं। सो कई लोगों को साइट्रस पसंद होता है, साइट्रस फ्रेगनेंस, तो ये वाइट साइट्रस ऑर्डर कर सकते हैं। सब में आपको फ्रेगनेंस, कलर, सब कुछ मिल जाएगा। और कई लोगों का क्वेरी आता है, मैम कुछ मुझे फ्लावर फ्रेगनेंस में बताइए। सो गाइस, एट्रिया ये है फ्लावर मिक्स फ्रेगनेंस, इसके अंदर फ्लारी आएगा, स्मेल आपको काफ़ी स्वीट है ये। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया ओमनी बस डिफ्यूज़र, सो ओमनी बस डिफ्यूज़र ऐसे दिखता है। इसकी फ्रेगनेंस इसके थ्रू बाहर आती है, जो स्टिक्स लगी हुई हैं। लग्जरी एम्बर फ्रेगनेंस है इसके अंदर, रिच मंगोलिया, लग्जरी एम्बर, गोल्ड स्मॉज, बहुत सारे फ्रेगनेंस है। सो नाउ कम टू माई मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन लिक्विड परफ्यूम, ये जो है पीच ब्यूटी। बहुत सारे, बहुत मतलब 90% लोगों को ये फ्रेगनेंस पसंद ही आ जाता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा लास्ट 5 ईयर्स से जो मैं परफ्यूम्स में डील कर रही हूँ, तो काफ़ी कस्टमर को मेरा ये रिकमेंडेशन पसंद आया। सो गाइज, आप भी ये पीच ब्यूटी ट्राई कर सकते हैं। इसमें फ्लोरल, सेक्सी, प्लैटिनम सावर, मेलो स्वीट, हर तरह के फ्रेगनेंस अवेलेबल है। सो दिस वन सैलन लिक्विड का परफ्यूम, ये भी बहुत ही अच्छा है इसका फ्रेगनेंस। तो गाइज, मैं आपको कैसे बताऊँ फ्रेगनेंस, मैं बता सकती हूँ बस, आप फील नहीं कर सकते बस, ट्रस्ट मी। अभी मैंने इसको ओपन किया, मुझे जो यहाँ पे खुशबू आ रही है ना, बस क्या बताऊँ आपको। सो गाइज, ये है रोज, कई लोगों को रोज फ्रेगनेंस पसंद है, ये आफ्टरनून रोज नाम है इस फ्रेगनेंस का। ये भी सब मेड इन जापान है, जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ वैरायटी सारे कैरल ब्रांड्स के हैं। सो गाइज, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगी आप एक बार कैरल ब्रांड के परफ्यूम्स यूज़ करिए। सो ये है स्प्रे बेस्ड, कई लोग होते हैं ना जो गाड़ी में हमेशा नहीं होते, कभी कभी अब अपने गाड़ी को चला रहे हैं, तो आई रिकमेंड उनको कि स्प्रे यूज़ करें, ताकि वो जब भी आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो आप एक बार स्प्रे कर लो, उसकी रहती है लाइफ थोड़े टाइम तक। क्योंकि अगर आप लिक्विड जेल यूज़ करेंगे और आप गाड़ी में है नहीं, तो वो आपका चांसेस ख़त्म होने के ज़्यादा हो जाते हैं। इसका फ्रेगनेंस का नाम है प्लैटिनम सावर। सो गाइस, एक और नया आया है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और डिफरेंट है ये। सी मतलब ये इसका जो ये चीज़ ऐसे होता रहेगा राउंड राउंड, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसकी फ्रेगनेंस हार्ड है, तो जिसको हार्ड पसंद है फ्रेगनेंस, वो हार्ड की तरफ जा सकते हैं। सो गाइज, अभी मैंने आपको दिखा दिया, और डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में मैं आप सबको रिव्यू ज़रूर दिखाऊंगी इन परफ्यूम्स के रिव्यू, जो मेरे कस्टमर ने लास्ट कुछ टाइम से बाय किया, उनमें जिन्होंने रिव्यू दिया, वो बस मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि आप ट्रस्ट हो पाए कि हाँ आप ये परफ्यूम यूज कर सकते हैं। सो करना भी चाहिए हमें हमेशा एक फ्रेगनेंस की तरफ, क्योंकि हम ऐसे बॉडी परफ्यूम की बात करें तो हम चेंज करते रहते, तो हम गाड़ी के फ्रेगनेंस को क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं ना। सो गाइज, इसको यूज़ कैसे करना है आपको वो भी बता देती हूँ। सबका यूज़ करने का तरीका सेम है, इसको जस्ट आपको ओपन करना है, सबके ऊपर आपको एक बॉक्स ऐसे इसका कवर दिया होगा, जस्ट रिमूव द कवर एंड देन क्लोज इट अगेन। अब आपको फ्रेगनेंस यहाँ से आएगी, आपको दिख रही होगी ना, वाओ नाइस। सो गाइज, अगर आप गाड़ी में नहीं हैं तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ क्लोज दिस कैप अगेन, नहीं तो सारी फ्रेगनेंस उड़ जाएगी। एंड मेक श्योर आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ट्राई करिए कि सनलाइट में डायरेक्ट ना रखें, क्योंकि ऑब्वियसली परफ्यूम है ये,
खत्म जल्दी हो सकता है, तो कप होल्डर में रखने की ज्यादा कोशिश करिए, वहां से सनलाइट कम पड़ेगा। चलते हैं जेल बेस्ड परफ्यूम की तरफ। सॉरी, ये लिक्विड भी आ गया इसके अंदर पॉपी, बट ये मेड इन जापान है, लिक्विड बेस्ड, तो आप इसको लिक्विड के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए, जेल है क्रोटी, दिस वन जेल परफ्यूम, काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस है, स्मूथ है, मतलब माइल्ड फ्रेगनेंस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जिसको लाइट फ्रेगनेंस, सेंसुअल ब्यूटी फ्रेगनेंस का नाम है। एंड ये है गाइस रिगालिया, जो हमारे टॉप सेलिंग जेल बेस का परफ्यूम के अंदर आते हैं। इसके अंदर चार फ्रेगनेंस है, वाइट मस्क, प्लैटिनम सावर, सिल्की वेल, प्लैटिनम स्क्वेयर, सब कुछ अवेलेबल है। ग्लेयर का परफ्यूम, जो भी जेल बेस है आप डैशबोर्ड के ऊपर रख सकते हैं। एंड दिस इज सी, दिस वन न्यू, एंड इलेवन किस, ये लिक्विड के अंदर जेल बेस का परफ्यूम है, ये भी काफ़ी अच्छा है। सो दिस वन इज़ वेरी लग्जरी इन जेल बेस इमेंट इम्परेंट, सेम फ्रेगनेंस ऑफ वाइट मस्क, सब के अंदर आपको फ्रेगनेंस मिल जाएगा गाइस। एंड ये मुझे कई लोग बोलते हैं, मैम कुछ अंडर सीट परफ्यूम बताइए, जो गाड़ी के अंदर सीट के नीचे रख दो। तो गाइस ये है मेड इन जापान, जैसे बिग फ्रेश वगैरह आता है आप देखे होंगे, जो मेड इन चाइना होता है, बट आई डोंट सजेस्ट, परफ्यूम तो आपको अच्छा यूज़ करना ही चाहिए। ये इसका लाइफ टाइम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सीट के अंदर होता तो ना सनलाइट पड़ता है ना कुछ, तो इसकी मतलब ज़्यादा टाइम ये चलता है आपकी बेसिकली गाड़ी में। सो गाइज, आई पर्सनली सजेस्ट कि प्लीज़ जो लोग परफ्यूम लवर हैं, एक बार ये परफ्यूम को यूज़ करके देखिए, सारे जेल बजट फ्रेंडली ही परफ्यूम्स हैं। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अटैच करने वाली हूँ, जिसके मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हैं इस परफ्यूम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गाइज़, मैं क्या लगाने वाली हूँ वो है मेरे अपने पर्सनल कस्टमर्स के रिव्यूज़, जो जिन्होंने मुझे इस परफ्यूम्स के रिव्यूज़ जनरली दिया हुआ है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड बेसिकली उनका नाम भी शेयर करूँगी, यू डोंट वरी गाइस, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज़ होगा। तो बस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि बस एक बार आप प्लीज़ केरल ब्रांड को यूज़ करिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप 100% वापस ज़रूर आएंगे इस परफ्यूम्स के साथ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो या परफ्यूम अच्छा लगा हो, बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.caroxygen.com। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सो गाइज़, ये रहे रिव्यूज़ जो मैंने आप सबके लिए टेस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं, वन बाय वन रीड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे क्लियरिटी ना हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके रिव्यू सेक्शन में भी सारा कुछ, हर परफ्यूम्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। सो गाइज़, ये रिव्यूज़ मैं सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप एटलीस्ट डिसाइड कर पाएँ कि वी शुड चूज़ दिस परफ्यूम और दिस ब्रांड और नॉट। सो गाइज़, रीड करिए, चूज़ करिए और बाय करिए। थैंक यू, बाय बाय।